गाड़ी दो तीन दिन से खड़ी हुई है, उसको भी करते हैं कोल्ड स्टार्ट। साइलेंसर क्लियर है, हमने अपनी बिल्ली साहिबा की वजह से सुबह कवर डाला है तो वो वरना इसी के ऊपर सोती हैं आगे तो अपने से डाल दें तो पढ़ते हैं फोन स्टार्ट। अनलॉक टू थाउजेंड एटीन मॉडल है ये और इसको खरीदे हुए हमको अभी ओवर अ मंथ हो चुका है। तो ये भी चेक करते हैं कितनी चली हुई है टोटल ट्रिप भी, टाइमिंग्स 37,900 चली हुई गाड़ी टोटल और दिस इज द कंडीशन। उसका रेडियो जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, अभी तक आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ये क्या इशू है, ये खुद ही क्यों कनेक्ट हो जाता है। बाकी गाड़ी की कंडीशन अगर आप देखें तो ऐसी है, गाड़ी दरवाजा खोल देता नीचे की लाइट चले। दिस इज द कंडीशन ऑफ द कार। सिस्टम वगैरह बहुत इसका बेहतरीन है अभी। कुछ करो ना करो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। हैज़र्ड्स वर्किंग और इसकी पार्किंग लाइट का स्विच है और इसके पीछे यहाँ पे ये इसकी फॉग लाइट का स्विच है। देखा अभी मैं फॉग लाइट यहाँ से ऑन करूंगा लेकिन आगे से ऑन नहीं होंगी। फॉग लाइट्स ऑन करने के लिए आपको पहले इसको ऑन करना है और फिर यहाँ से आप पार्किंग पे जाएंगे तो पार्किंग के साथ फॉग लाइट्स ऑन होती है। लेट मी शो यू। अगर आपको सिर्फ पार्किंग ऑन करनी है और फॉग लाइट्स ऑन नहीं करनी तो आप पार्किंग को ऑन रहने दें और फॉग लाइट्स को यहाँ से ऑफ कर दें तो आप ये सिर्फ पार्किंग पे। इसी तरह ये हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट के साथ भी अगर आपको फॉग लाइट का मतलब स्विच ही डेडिकेटेड स्विच है यहाँ पे जो कि यहाँ पे ऑन करेंगे तो फॉग लाइट्स ऑन होंगी वरना फॉग लाइट्स ऑफ रहेंगी। बाकी हाई लो यहीं से होता है और ये इसके पार्क इसके वाइपर के वो है। अगर आप लीवर की मूवमेंट देखेंगे तो लीवर की मूवमेंट से वाइपर भी ऊपर आगे विंड स्क्रीन पे जो है वो मट्टी है और साथ में कवर भी लगा हुआ है तो वाइपर की मूवमेंट दिखा नहीं सकता, लेकिन वाइपर की मूवमेंट जो है वो इस लीवर से काम करती है। ये जो ऊपर नीचे करेंगे अगर आप तो चलें आपको दिखाता हूँ। मैं लीवर ऊपर या नीचे करूंगा तो ये हमारा वाइपर काम करेगा। ये इंटरवल है, ये मीडियम है और ये फास्ट है, इसको हमने कर दिया ऑफ। और ये जो मूवमेंट है ये वाली ये हमारे रियर वाइपर की है। अब रियर वाइपर के लिए आपको पीछे दिखाओ, ये हमारा रियर वाइपर, अगर इसकी स्क्रीन पे डस्ट हो तो फिर रियर वाइपर यूज नहीं करना चाहिए। देखिए अभी हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे, अब देखें पीछे वाइपर काम कर रहा है यहाँ से ऑन करने पे।
और अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं तो फिर ये रेयर वाइपर का पानी भी आएगा, और पानी की जगह देखा मैं इसको नीचे करूंगा, पीछे से पानी आ रहा है, पीछे से पानी आ रहा है, इसको यूं करने पे पानी आ रहा है। तो ये तरीका एक आ रहा है वाइपर्स की पार्किंग का, पेट्रोल का स्पेस यहाँ पे, पेट्रोल का अगर आपको कैप खोलना है तो यहाँ से खोलेंगे आप। पूरा पानी पानी हो गया, ये देखिए आपका पेट्रोल का कॉर्क यहाँ से खुल गया, मट्टी भरी है। डिग्गी का कोई और स्विच नहीं है, ना ही कोई लेवर है। डिग्गी जब भी आप गाड़ी अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये है स्विच, जब भी आप इसको खोलेंगे तो डिग्गी यहाँ से ही खुल जाएगी। तो बंद करते हैं, रेयर ग्लास का जो पानी है वो यहाँ से आता है, तो जब भी अगर आपको पानी का कोई मसला हो तो आप इसको देख लेंगे ये साफ है या नहीं है। बाकी गाड़ी बिल्कुल सुकून में, इसका जो पीछे का वो है टायर जो सब नहीं कहते हैं वो यहाँ पे होती है, इसको निकालने का तरीका है यहाँ पे स्विच है मेरा, ये कॉर्क लगा हुआ छोटा सा, इसको हटाया, इसको यहाँ से ढीला करेंगे आप, जैसे आप इसको यहाँ से थोड़ा ढीला करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये जो है ये जो लीवर है यहाँ पे सिल्वर वाला ये ढीला होकर नीचे आ जाएगा, और फिर आप इसको हिला के यहाँ से अनलॉक करेंगे, ये कुंडा बना हुआ है इसमें से आप इसको निकालें और आपका टायर बाहर आ जाएगा। बाकी गाड़ी ड्राइव वाइज बहुत अच्छी है, ये इसके रिट्रेक्टेबल मिरर्स के स्विचेस हैं, ये इसका लॉक अनलॉक का स्विच है अनलॉक, ये पैसेंजर साइड के जो है वो विंडोज को कंट्रोल करने का है, लॉक करने का चाइल्ड लॉक सेफ्टी लॉक है, ये हमारे साइड ग्लास के स्विचेस हैं। सबसे पहले रिट्रेक्टेबल मिरर ऑन करते हैं, ये मैं प्रेस करूंगा, ये IVTEC S मॉडल के अंदर रिट्रेक्टेबल मिरर जो है ये फैक्ट्री फिटेड आते हैं, और ये पावर विंडोज ये साइड ग्लासेस के स्विचेस हैं, इस जॉयस्टिक से जो ये कंट्रोल होते हैं सारे, सही है। तो दिस इज व्हाट इट इज, और उसके बाद जो है एसी ऑन करने का तरीका ये है कि ये फैन ऑन ऑफ का स्विच है, सबसे पहले आप फैन ऑन करें उसके बाद आप एसी ऑन करें तो आपको एयर कंडीशनर ऑन हो गया। जी एयर कंडीशनर के टेम्परेचर के स्विचेज हैं, आपको टेम्परेचर कम या ज्यादा करना है, आप एसी ऑफ करके अगर इसको फुल ऊपर ले आए तो यहाँ पे इसकी हीटिंग कॉइल एक्टिवेट हो जाती है और फिर गर्म हवा आने लग जाती है, दिस इज हाउ द हीटर वर्क्स, और गाड़ी की गर्म हवा आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये इसकी वो है पोजीशनिंग है कि आपको पोजीशन किस तरफ करनी है, सबसे पहले हम टेम्परेचर का कम कर लें, ये इसकी पोजीशनिंग है कि आपको किस तरफ करनी है, तभी ये फेस की तरफ ऊपर से हवा आ रही है, अब फेस से ऊपर से भी आ रही है और नीचे पैरों की तरफ भी हवा आ रही है, अब सिर्फ पैरों पर हवा आएगी, तो दीज आर द डिफरेंट मोड्स, ये हीटिंग मोड है, हम इसको वापस फेस की तरफ कर देते हैं। अगर आपके फ्रंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉग आ रहा है, आप विंटर में जिस तरह चलाते हैं शीशा बंद करके, या अगर बारिशों में आप चला रहे हो फ्रंट स्क्रीन पे फॉग आ गया तो आप फ्रंट डिफोगर ऑन करेंगे, तो ये एसी ऑन करके फ्रंट डिफोगर के ऊपर यहाँ पे जो वेंट्स होती है इनसे ठंडी हवा आती है जो शीशे पे पड़ती है, अभी अगर आप हाथ यहाँ पे लगाएंगे तो देखेंगे मुझे ठंडी हवा महसूस हो रही है, और ये फौरन आपके शीशे को जो है ठंडा कर देता है, जिससे आपके फ्रंट स्क्रीन का फॉग खत्म हो जाता है। सिमिलरली रियर स्क्रीन का फॉग भी है, जो कि पीछे मौजूद वो हीटिंग कॉइल जो कि शीशे में चल रही होती है, जो कि लाइंस होती हैं, जो अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं, तो रियर स्क्रीन में जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस की हीटिंग से जो है ये काम करता है रियर डिफोगर। और ये इसके फैन की स्पीड कंट्रोल करने के स्विचेस हैं, यहाँ से फैन हम कर देते हैं ऑफ तो हमारा भी एयर कंडीशनर ऑफ हो चुका है। अच्छा, जब भी गाड़ी में एसी ऑन हो उस वक्त जो है ये वाली जो पोजीशनिंग है ये हमेशा इस पे होनी चाहिए, जब भी आप एसी या हीटर ऑन कर रहे हैं, और अगर आपको बाहर की हवा चाहिए जो कि बाहर कितनी हवा चल रही है तो उस वक्त आपकी जो स्विच है वो इधर होना चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि बाहर से जो हवा है वो आ सके, तो एसी या हीटर चलाते हुए हमेशा इसको अंदर होना चाहिए कि अंदर की हवा को सर्कुलेट करता रहेगा। तो दिस इज
द बेसिक्स ऑफ होंडा बीआरवी। अच्छा, गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था, वो हमने निकलवा दिया। ट्रैकर इसका ग्लव कंपार्टमेंट खुल के यहाँ से अंदर एक जगह होती है, वहां पे इसका ट्रैकर लगा हुआ है। और ये इसके अंदर है, ये कंपनी फिटेड नहीं आता है, ये एक आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। अगर लेट मी शो यू, ये ऐसी लिफ्ट करने पे निकल जाता है। और ये यहाँ पे एक जगह है जो कि इसको कॉइन कलेक्टर भी कहते हैं, अगर मेरा कैमरा फोकस कर सके। ये जगह है जिसके अंदर कॉइन्स वगैरह लोग रखते हैं, उसके अंदर जो है जाके यूं करके फिट हो जाता है। ये मूवेबल है लेकिन ये आवाज बहुत करता है चलते हुए ना गाड़ी में। गाड़ी के अंदर प्लास्टिक पार्ट्स बहुत हैं और उनकी आवाजें बहुत ज्यादा है। ये इसका एसी का रिमोट यहाँ पे रखा हुआ है और पता नहीं क्या पेटी कुछ चीजें रखी हुई। तो गाड़ी चलते हुए आप इस पर हाथ रखते हैं ना, यूं करके आवाज करता है। इसका ये थोड़ा सा इशू है। बाकी गाड़ी का प्लास्टिक मटेरियल जो है वो बहुत लो क्वालिटी का प्लास्टिक गाड़ी के अंदर यूज किया गया है। यहाँ पे कोई कवर नहीं है, ना कोई वो है, लाइट है, कुछ भी नहीं है। तो ये है। अच्छा, पीछे रियर साइड का एसी अगर आपको यूज करना है तो आप अपना एसी ऑन करें। अपनी इन दो वेंट्स को आप इस तरह पोजीशन करेंगे कि ये अप हो जाए, ठीक है। आप इनको अप पे सेट कर देंगे, इससे आपका ये सारी हवा यहां से इधर जाएगी। जब आपकी हवा इधर आएगी तो उसके बाद आप पीछे आए, आप पीछे आए और आप ये वाला एसी ऑन यहाँ से ऑन करते। तो भाई ये अब ये ब्लोअर भी काम करने लग गया। अब ये ब्लोअर क्या करता है, जो हवा वहां से इसमें आ रही है ये इसको यहां से निकालता है। यानी ये हवा का एक तरह से ब्लोअर काम कर रहा है कि वहां से हवा खींच के और इधर पीछे हर जगह पे काम करता है। और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, देखें अगर आपको आवाज इसकी आ रही हो, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। यानी पीछे के पैसेंजर्स तक भी जो है वो आराम से जो है वो जा सकती है। अच्छा, अब मैं आपको सीटिंग का पिछली दिखा दूं, तो आप ये देख सकते हैं कि पीछे की सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं इसमें, तो मेरी हाइट तकरीबन 5'10" 5'11" है और मेरे हाइट का लड़का आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। ये देखें, ये अभी सीट नॉर्मल पोजिशनिंग पे है। और ये देखें मेरे पास अभी भी आगे कितनी जगह है, तकरीबन 2 इंचेस की जगह है और मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ। और अगर आप चाहें तो आप आराम से यहाँ पे लेट के भी जा सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर इस गाड़ी में बहुत ट्रेवल किया है, और ये मतलब इस वाली में नहीं किया, ये आई है। हम टूर पे गए थे तो हमारे पास एक सिमिलर बीआरवी थी, हमने उसमें ट्रेवल किया था, ब्लैक कलर ही था। तो उसके अंदर जो मेरी फेवरेट पोजीशन थी वो पीछे वाली थी, कि हम जो है सब पीछे बैठ के सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया और कैमरा वगैरह यूज़ करने के लिए सबसे आसान होता है। अच्छा, ये सीट जो है ये फोल्ड भी हो जाती है, वो मुझसे होती नहीं है। लेट मी सी के मैं कर सकता हूँ या नहीं, अभी हो नहीं रही है मुझसे, लेकिन ये सीट इजीली फोल्डेबल है। ये सीट फोल्डेबल है, ये सीट इस तरह यूं करके खड़ी हो जाती है। तो एम्पल स्पेस है यहाँ पे सामान रखने का, आप इन सीट्स को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह यहाँ से जाने की जगह बहुत अच्छी है, देखें आप आराम से आप यहाँ से स्टेप अप करके पीछे जा सकते हैं। लेकिन इन सीट्स के लॉक्स जो है वो इतने अच्छे नहीं है, चलती हुई गाड़ी में टक टक की आवाज़ करती है कभी कभी। देखें जैसे ये इस तरह की आवाज़ इनकी मूवमेंट में आती है। तो चीप मटीरियल तो है गाड़ी के अंदर, लेकिन ये कि वैसे फैमिली वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, कि अगर आपको ट्रैवल करना है, आपकी फैमिली बड़ी है, तो आप आराम से इसके अंदर जो है वो 6 लोग 7 लोग बिठा के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज की इसमें जहां तक बात है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो मुझे शहर के अंदर इसने फ्यूल एवरेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया है। तो कृपया लेट मी सी वेयर द एवरेज इज, रेंज 6.1, एवरेज 8.7। तो 8.7 8.8 का इसने मुझे एवरेज दिया है शहर के अंदर। और मतलब ये कि ये फैमिली कार है, तो जब भी हमने चलाई है तो विद कंप्लीट फैमिली जो है वो चलाई है गाड़ी, और फैमिली के बगैर चलाई नहीं है। और कराची के ट्रैफिक के अंदर इतना एवरेज, मतलब 8.7 का मतलब ये है कि मुझे अराउंड अबाउट 9 का एवरेज दे दिए गाड़ी ना।
लेकिन मतलब ये एवरेज इज नॉट गुड. इससे पहले मेरे पास सिविक रिवर्ट थी, वो शहर के अंदर 10 का एवरेज, 9.5-10 का, मतलब हैवी फुट पे देती थी, और अगर मैं उसको प्यार से चलाऊं तो वो मुझे अराउंड 12 का एवरेज दे देती थी. लेकिन इस गाड़ी को प्यार से चलाने पे भी मुझे 9 का एवरेज मिल रहा है. तो हाँ, थोड़ी सी स्पेशियस है, लेकिन अगर आप गाड़ी की लेंथ और विड्थ की बात करें तो सिविक रिबर्ट 2014 वाला अगर आप शेप उससे कंपेयर करेंगे तो उससे 1-8 इंच जो है वो थोड़ी गाड़ी कम ही है. मतलब उसकी विड्थ जो है वो सिविक से कम है. उसकी डिटेल्स जो है मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा. लेकिन ये कि सिविक से 1-1 इंच कम ही है. तो मेरे घर के अंदर सिविक भी इतनी जगह लेती थी, ये भी इतनी लेती है. जिन जगहों से सिविक आराम से निकल जाती है, ये भी आराम से निकल जाती है. बस ये कि थोड़ी सी हाइट इसकी ज्यादा है, तो मतलब कॉर्नर्स नजर नहीं आते, तो इस हिसाब से जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ड्राइवर को. लेकिन इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर तो आपको मेरे ख्याल में कराची की गलियों में कहीं पे भी गाड़ी जहाँ पे मतलब एक नॉर्मल सेडान गाड़ी जा सकती है, वहाँ पे BRV बआसानी जा सकती है. बस इसके अंदर कुछ फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो है वो लोग आराम से बैठ सकते हैं. जैसे मेरी हमारी वी आर फैमिली ऑफ 5, तो मैं, मेरे फादर आगे बैठते हैं, मेरी सिस्टर और मदर पीछे बैठती हैं, और मेरा छोटा भाई जो है वो पीछे बैठता है. तो अच्छी है, एक सीट वेकेंट भी है. कभी सिस्टर जो मेरी दूसरी हैं उनको भी अगर आना चाहे तो वो भी आराम से इस गाड़ी में बैठ सकती हैं. तो ऐसा है कि जगह का मसला नहीं है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन ये कि कंफर्ट वाइज जो है ये सिविक से काफ़ी जगहों पे मार खा जाती है. रोड ग्रिप वाइज गाड़ी की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है. मैंने इसको हाई स्पीड से मैनूवर करके देखा है. इवन ट्रक्स वगैरह ओवरटेकिंग के अंदर अंडर पावर्ड फील नहीं होती. इसका 1.5 cc इंजन है और इसका पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का. मतलब आप हल्का सा पैर को टच करें और द व्हील स्टार्ट रोलिंग, और गाड़ी के अंदर मतलब अंडर पावर्ड गाड़ी बिल्कुल भी फील नहीं होती. तो ये वाला सीन है. और बाकी ये कि प्लास्टिक एवरीवेयर चीपनेस है. होंडा वालों को दे शुड कंसिडर इट के मतलब थोड़ा गाड़ी के ऊपर, अगर बंदा इतने लाखों रुपए खर्च कर रहा है आज, मतलब एज ऑफ टुडे, तो 5th of February, ये उसकी प्राइस जो है 5650 पे जा चुकी है. 2 महीने पहले जब मैंने गाड़ी परचेज की थी उस वक्त 0 मीटर गाड़ी 48 something की थी, तो मतलब 7 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर बढ़ गए. और एडिशनल फीचर्स कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर. मतलब व्हाट टू से, मतलब गाड़ी के अंदर क्या है, बेसिक फीचर्स 2 एयरबैग हैं. 2 एयरबैग के अलावा मतलब इसके अंदर 3 एयरबैग तक नहीं है. और गाड़ी के अंदर रडार सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है. मतलब क्रूज कंट्रोल, हिल व्यू असिस्ट, मतलब इट हैज नथिंग विच इज कमेंडेबल. और गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे आपकी सेफ्टी इंश्योर हो. कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है. फोल्डेबल की तक नहीं है यार, ये अजीब किस्म की. अब जो न्यूअर मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर पुश स्टार्ट इन्होंने दे दिया है, उनकी मेहरबानी है बड़ी. ये 18 का मॉडल है तो उसमें तो पुश स्टार्ट तक नहीं है, तो कीलेस एंट्री भी नहीं है इस वजह से. तो नए मॉडल के अंदर उन्होंने कम से कम कीलेस एंट्री दे दी है हमें, बड़ी मेहरबानी है होंडा की. बाकी न्यू मॉडल इसके अंदर और इसके अंदर इतना कोई फ़र्क नहीं है. कीलेस एंट्री का ही फ़र्क है मेरे ख्याल है, और कुछ हेडलाइट्स और बम्पर का उन्होंने हल्का सा शेप चेंज करके जो है वो कस्टमर को अपने रिटेन करने की कोशिश की है. बाकी कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर ऐसा. अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पीछे की सीट्स है इसके अंदर यहाँ पे एक लेवर है, ये लेवर, तो अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये सीट्स आगे पीछे हो सकती है. उससे हो नहीं रही अभी क्योंकि थोड़ा टाइट है ये. मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने इसको ऐसा किया अभी. ये कहीं आगे पीछे हो रही तो ये गाड़ियाँ सीट आगे पीछे हो सकती है यहाँ से लेवर को पुल करके. थोड़ा सा टाइट है क्योंकि कभी हमने यूज ही नहीं किया. और ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आफ्टर मार्केट है. बाकी गाड़ी के अंदर जगह स्पेशल जगह बहुत है. वेयर इज द कैट, ये देखें. इसकी वजह से गाड़ी में हमें कपड़ा रखना पड़ता है. भागो, ये पूरी गाड़ी के ऊपर कूदती फिरती है हमारी बिल्ली में साहिबा. और ये इनका बेडरूम है, ये यहाँ पे सोती है गंदी बिल्ली. तुम्हारा बैड कैट सुनो. बाकी डिग्गी के अंदर भी काफी जगह है सामान रखने के लिए. 2 बड़े सूट केसेस आराम से आ सकते हैं. जस्ट लुक एट द क्लियरेंस. अरे
बगैर टच की अगर ये डिग्गी पूरी खुल जाए तो क्या बात है। अरे भाई बेहतरीन हो गया, पूरी डिग्गी खुल गई है हमारी बगैर दरवाजे को टच किए। तो इधर काफ़ी स्पेस है, आराम से जो है वो दो सूट के हिसाब रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आके ये सीट थोड़ी डिक्लाइंड हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे आके थोड़ा मसला होता है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लेवर मौजूद है, ये रहा लेवर, इस लेवर को अगर आप पुश करें तो ये सीट आगे हो जाएगी, ये पूरी फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे आराम से तीन चार सूट केसेस अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आराम से आ सकते हैं। और ये सीट मतलब अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप इसको फर्दर मतलब आप इसको और ज़्यादा लेटा सकते हैं, तो पीछे आगे वाले की कंफर्ट के हिसाब से जिस तरह वो चाहे वो कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाली सीट्स भी डिक्लाइन और उस तरह हो सकती है जिस तरह आगे वाली सीट्स होती हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो सीट बेल्ट दे दी है, मेहरबानी उनकी, ये कम से कम पैसेंजर की इतनी सेफ्टी का ख्याल है कि सीट बेल्ट दे दी है। बाकी है सच कुछ है नहीं इसमें जो है वो, अगर मैं इसको खोल सकूँ बगैर तोड़े, तो चीप प्लास्टिक मटेरियल कचरा। तो यहाँ पे इसका जैक है गाड़ी का, और ये भी थोड़ा साइंसी है इसको लगाना। हाँ तो ये मेरे वालिद साहब ने लगाया था, मुझसे लग ही नहीं रहा था। तो ये इसकी पतली सी डंडी है जैक की, ये गाड़ी को अगर टो खुदा ना खास्ता करना पड़ जाए उसके लिए, देखिए स्क्रू ड्राइवर देते हैं होंडा वाले, उनकी बड़ी मेहरबानी है भाई, अगर ना देते तो हमें फिर भी गाड़ी तो लेनी है। तो ये देखें आप इसकी क्वालिटी देखें, थर्ड क्लास क्वालिटी। और दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा मैं गाड़ी के अंदर से आपको चादर भी दिखा दूँ, ये देखें आप चादर की क्वालिटी देखें, बिल्कुल टीन की चादर है। अगर मैं अंदर से पुश करूँ तो यहाँ से फील भी होगा, तो बहुत ही बेकार क्वालिटी की जो है वो बॉडी है इस गाड़ी की। मतलब अगर आप किसी अच्छी गाड़ी से कंपेयर करें, सिटी हम सिविक जो है वो हमारे यहाँ एक थोड़ी सी क्लास और थोड़ा सा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। वीआरवी के अंदर बिल्कुल भी जो है उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कंसिडर नहीं किया कि क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है। बाकी गाड़ी के अंदर बीजे लक्सो प्लस के टायर आते हैं, और ये 2018 के टायर हैं, इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, मुझे चेंज करवाने। 1-95-60-16 ये इसके टायर हैं, और तकरीबन अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी चली भी बहुत कम है तो इस वजह से इनकी थ्रेड्स अभी भी बाकी हैं। तो हाईवे के लिए रिकमेंडेड नहीं होते, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं 0-18, यानी ये दूसरे हफ्ते के हैं 2018 के टायर्स। तो इस हिसाब से जो है वो गाड़ी के टायर अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, और ऐसे इतने पुराने टायर्स को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप हाईवे पे या लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं। बाकी गाड़ी जो है वो ऐसी है, ब्लैक कलर है, सफाई वफाई का बड़ा मसला होता है इसके अंदर। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई गाड़ी की प्राइसेस वगैरह से भी आगाही कर दें कि गाड़ी जो है वो कितने की मिल रही है आजकल। तो 2018 की अच्छी गाड़ी कराची के अंदर अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, दो महीने पहले की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूँ, तो आज ये गाड़ी जो है वो 37-38 लाख रुपीज़ की है, अच्छी गाड़ी। और अगर सस्ती गाड़ी देखने के चक्कर में अगर आप ढूंढ लेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि भाई गाड़ियों की प्राइसेस डेली के हिसाब से बढ़ रही हैं, और यही वजह है कि ओरिजिनल गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने भी जब भी गाड़ी ख़रीदी है तो मैं दो महीने, एक महीना पूरा और एक महीना जो है वो 15-20 दिन छोड़ के गाड़ी ढूँढी है, तो बहुत टाइम लगा गाड़ी ढूँढने में, ओरिजिनल नहीं मिलती गाड़ियाँ। इस गाड़ी में मसला ये है कि ज़्यादा क्योंकि स्टेशन वैगन टाइप की गाड़ी है, तो ये ट्रांसपोर्टर टाइप के जो लोग होते हैं कमर्शियली गाड़ी बहुत ज़्यादा यूजली होती है। तो जब भी आप इस गाड़ी के ख़रीदने का सोचें तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि कमर्शियली चली हुई गाड़ी ना लें, क्योंकि उस गाड़ी का सत्यानाश हुआ हुआ होता है, उसमें बचा हुआ कुछ नहीं होता। कमर्शियली गाड़ी चलाने वाले बिल्कुल गाड़ी का ख्याल नहीं रखते, और वो हाईवेज पे चली हुई गाड़ियाँ होती हैं वो उनके अंदर बॉडी में बहुत नॉइज आ जाती है। तो हमने जिनसे ली उनके मतलब उनके पर्सनल यूज़ की गाड़ी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है हमने वो उनको ओवर द प्राइस प्रीमियम ऑफर करके गाड़ी ख़रीदने का सोचा, क्योंकि कमर्शियली चली हुई गाड़ी इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो आपको उसकी ड्राइव में ही मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक BRV का छोटा सा रिव्यू था भाई लोग, और कुछ क्वेश्चन हो गाड़ी से रिलेटेड तो आप बिल्कुल
फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। तो ऐसा है। अब अच्छा एक चीज मुझे इसकी समझ में नहीं आती कि इसको लॉक करते हुए इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स ना खुद से बंद नहीं होते। अब आप में से किसी को इसका कोई सॉल्यूशन पता है तो मुझे पता है, क्योंकि अक्सर मैं गाड़ी लॉक करके जब उतरता हूँ तो मुझे बाद में ख्याल आता है कि मैंने तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स बंद ही नहीं किए। तो उसके लिए दोबारा फिर गाड़ी में बैठ के लॉक गाड़ी को इग्निशन पे करके फिर रिट्रैक्ट बंद करने पड़ते हैं। तो अगर इसको किसी को इस चीज़ का पता है तो बिल्कुल मुझे गाइड करें। और आप लोगों को कोई सवाल है बीआरवी से रिलेटेड तो आप मुझे बताएं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को हर सवाल का जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया।